महाराष्ट्र के पुणे में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। वहीं जिले में मौसम भी काफी खराब है। यहां इलाके में लगातार बारिश हो रही है। बताया जा रहा है कि क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर ग्लोबल एविएशन कंपनी का है। इस हेलीकॉप्टर में पायलट के साथ 3 और लोग भी सवार थे। बताया तो ये भी जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर में 4 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है। दरअसल हेलीकॉप्टर क्रैश होने के दौरान आसपास मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया था। ये वीडियो अब सामने आई है, जिसमें हेलीकॉप्टर को क्रैश होते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में हेलीकॉप्टर अनियंत्रित होकर एक ही जगह पर घूमता हुआ नजर आ रहा है। कुछ देर के बाद हेलीकॉप्टर जमीन पर क्रैश हो जाता है और वीडियो भी खत्म हो जाती है। एक दूसरी वीडियो में मौके पर स्थानीय लोगों को पुलिस कर्मियों के साथ घटनास्थल पर देखा जा सकता है, जहां पर शत विशत अवस्था में हेलीकॉप्टर पड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह हादसा पुणे के पौड़ी इलाके में हुआ है। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर का नंबर AW139 बताया जा रहा है। इस हेलीकॉप्टर में कैप्टन आनंद, धीर भाटिया, अमरदीप सिंह, SP राम मौजूद थे। हादसे के बाद कैप्टन आनंद को घायल अवस्था में स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल तक ले जाया गया। बताया जा रहा है कि आज दोपहर के समय इस हेलीकॉप्टर ने मुंबई के जुहू से उड़ान भरी थी, जिसे हैदराबाद जाना था। हालांकि पुणे में ही ये हेलीकॉप्टर तकनीकी कारणों से क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार 4 लोगों में से एक आनंद कैप्टन को निकटतम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। बाकी 3 यात्री धीर भाटिया, अमरदीप सिंह और SP राम की हालत स्थिर है और उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंच गए हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच भी की जा रही है। यह हादसा किस वजह से हुआ और उड़ान के दौरान क्या तकनीकी खामी आई, इस पर अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। हालांकि विमानन विभाग के अधिकारियों ने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण शुरू कर दिया है और मामले की पूरी जांच के बाद ही सही कारण सामने आ पाएगा। इस दुर्घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और स्थानीय लोग भी घटनास्थल के आसपास जमा हो गए हैं। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और राहत कार्यों में सहयोग करने की भी अपील करी है।